अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स व्यूअर्स आज हम देखेंगे कि हमारी जब लॉगिन हो जाएगा पोर्टल में, तो उसके बाद हमारा जो पेपर होगा वो हमने कैसे सिलेक्ट करना है। तो ये इधर आपको स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि कोर्स इनरोलमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, तो उधर आपने क्लिक हेयर पे टच करना है। तो इधर आपके पास आ जाएगा, ऊपर ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट इनरोल, ये एरो का निशान होगा उधर। इधर आपने सर्च करना है, जैसा कि आज मेरा पेपर है, वैसे कौन सा पेपर है इतना तो याद नहीं है मुझे, लेकिन सामने आएगा तो याद आ ही जाएगा। शायद इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है, आप देख सकते हैं कि ये फिज़िक्स पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1। आप जैसे डेट भी देख सकते हैं कि आज 20 है, तो 20 का और टाइम भी बताया हुआ है, यानी 14, जैसा कि 2 बजे पेपर है, तो इसको आपने क्लिक कर देना है, एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाएगा। इधर फिर आपने इसे इसको सबमिट कर देना है, सबमिट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो ऐसे नीचे आ जाएगा। इधर से आपने इसको करना है स्टार्ट, पेपर स्टार्ट। तो जब आपका टाइम हो जाएगा तो इधर आपको आ जाएगा कि इधर मेरे पास आ रहा है पेपर टाइम नॉट स्टार्टेड अभी टाइम, क्योंकि काफ़ी रहता है इस वजह से। और बाद में जब आपका बिल्कुल आप टाइम के ऊपर, इसको बाद में भी कर सकते हैं, यानी मैंने जब पेपर स्टार्ट होना है 2 बजे, तो मैं इसको लॉगिन करूँगा दोबारा और इधर से पेपर स्टार्ट कर लूँगा। तो आपने इधर पेपर इधर आपके पास आ जाएगी फर्स्ट अटैम्प्ट, तो आपने इसको क्लिक करना है, तब आपके पास आ जाएगी, आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरा ऑफिशियल पेज जो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।